नमस्कार, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम दैनिक क्विज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर में चर्चा करेंगे। अपनी इस चर्चा को शुरू करने के पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि सिविल सेवा परीक्षा के तैयारी के संदर्भ में अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, चूंकि 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो आपके शंकाओं का समाधान करेंगे। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पर ढोला सदिया सेतु, जिसे आधिकारिक तौर पर भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जाना जाता है, भारत में एक बीम सेतु है जो पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 9.15 किलोमीटर तक फैला है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य है यहाँ पर, और हम यहाँ पर देखते हैं कि सी इसका सही जवाब उभर करके आता है। भूपेन हजारिका सेतु असम के अंदर में, इसको हम देखते हैं असम और अरुणाचल को जोड़ता है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेतु है। अगर हम पूर्वोत्तर के क्षेत्र को देखें, वहां पर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मपुत्र नदी पर इसको बनाया गया। अब इस प्रश्न को यहाँ पर रखा क्यों गया है? इस प्रश्न को यहाँ पर रखने के पीछे की न्यूज जो है वो है पीआईबी के अंदर में आर्थिक विकास के संबंध में ये एक समाचार हमारे सामने उभर करके आया। समाचार यहाँ पर यह था कि पीएम इनॉग्रेट्स सुदर्शन सेतु। अब सुदर्शन सेतु भी आपके सामने यहाँ पर उभर करके आ सकता है, प्रश्न बन सकते हैं। और ये जो ओखा मेनलैंड का जो क्षेत्र है और बेत द्वारिका जो आइलैंड का क्षेत्र है, इन दोनों को जोड़ेगा, 2.32 किलोमीटर का है और ये भारत के अंदर में लॉन्गेस्ट केबल, अब ध्यान रखना केबल, केबल पर बनाया गया सबसे लंबा ब्रिज है। कहां पर स्थित है, किन किन क्षेत्रों के बीच में स्थित है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आगे आप देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पर है, वज्र प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित एक संयुक्त अभ्यास है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें कि सूर्य किरण अभ्यास जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालनीयता, मतलब कि जो दो फोर्स होते हैं वो किस प्रकार से मिलकर के कार्य कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है या है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें तो वज्र प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के मध्य में होता है, बिल्कुल सही बात है। सूर्य किरण अभ्यास की हम जब बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से हमारे सामने उभर करके आता है भारत और नेपाल के मध्य में, ठीक है। ऐसे में दूसरा जो कथन है वो गलत हो जाता है और ऐसे में इसका सही जवाब उभरता है केवल एक। अब देखिए, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, नेवल एक्सरसाइजेस हैं, इनसे अक्सर हमारी परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं। अब यहीं पर आप देखें समाचार को, अब यहाँ पर धर्मा गार्जियन, आप यहाँ देखिए धर्मा गार्जियन, अब राजस्थान के अंदर में हो रहा है, किसके किसके बीच में होता है, तो इंडिया और जापान के बीच में है, आर्मीज के बीच में है, राइट। ये एक और प्रश्न है जो आपके सामने उभर करके आ सकता है इसी के साथ में जोड़ करके। इसके अलावा आप देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, जो संपूर्ण सौरमंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, समाचार आया है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, साइंस के विज्ञान के खंड में आप इसको जोड़ सकते हैं, साइंटिस्ट फाइंड 3 प्रीवियसली अननोन मून्स ऑफ यूरेनस एंड नेपच्यून। अब यूरेनस और नेपच्यून के तीन जो है चंद्रमा जो है उभर करके यहाँ पर सामने आए हैं। अब यहाँ पर जरा आप लोग देखिएगा कि अब जुपिटर की अगर हम बात करते हैं, जुपिटर जो कि पृथ्वी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की तरफ आने वाले बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स आदि को जुपिटर अपनी तरफ खींच लेता है। अब जुपिटर का सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको, राइट। तो इस तरीके से संबंधित प्रश्न आपके सामने उभर करके आ सकते हैं, डी इसका सही जवाब था। अब यहां पर आप आगे देखिएगा कि जो अगला जो समाचार हमारे सामने है वो समाचार आखिर कौन सा है। आप यहां पर देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, निक्षय पोषण योजना भारत में एड्स रोगियों को भोजन खरीदने के लिए 500 रुपए प्रदान करने की सरकारी योजना है। निक्षय मित्र एक पहल है जो टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का
इलाज करा रहे लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधियों, कॉर्पोरेट्स, गैर सरकारी संगठन, व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त नैदानिक, पोषण और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है। आपको ढूंढना है सत्य कथन। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें समाचार की, समाचार यहाँ पर यह है कि 76% के आसपास जो टीबी पेशेंट्स हैं, इनको पेमेंट मिलता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, क्योंकि शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, राइट। और अगर शरीर में पोषक तत्व तो पहुंचते रहेंगे तो ऐसे में होगा ये कि शरीर में दवाओं का असर भी बेहतर तरीके से होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप पहले कथन को देखें तो यहाँ पर निश्चय पोषण योजना एड्स रोगियों के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? टीबी के रोगियों के लिए है। तो ऐसे में पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। और ऐसे में यहाँ पर दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो इसका जवाब उभर करके आता है, वो उभर करके आता है हमारे सामने केवल 2B, राइट। ओके, अब यहाँ पर आप देखें कि PYQ का जो खंड है वहां पर प्रश्न कौन सा है, तो डेनिस ओवन शब्द का उल्लेख कभी कभी मीडिया में किसके संदर्भ में किया जाता है? देखिए, डेनिस ओवन जो है ये एक प्रारंभिक मानव की प्रजाति है। और ऐसे में हम जब भारत की बात करते हैं या आप जब इतिहास के खंड को पढ़ते हैं और वहां पर मानवों की अलग अलग प्रजातियां आपके सामने उभर करके आती हैं, या न्यूज में आप ऐसे प्रश्न देखते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमेशा काम के हो जाते हैं, क्योंकि अतीत में 2019 में सिविल सेवा परीक्षा 2019 में प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न उभर करके आ चुका है, एक प्रारंभिक मानव की जाति है। अब यहां पर आप देखें फैक्ट ऑफ द डे में क्या है, बैंगनी उत्सव अर्थात पर्पल फेस्ट। यहाँ पर एक जो प्रश्न आपके सामने उभर करके आ सकता है वो ये है कि पर्पल फेस्ट जो है वो होता किसके लिए है, राइट। यहाँ पर इस बात को आप ध्यान रखें, जो सबसे काम का बिंदु आपके लिए है कि जो पर्पल फेस्ट है इसका संबंध है किसके लिए? दिव्यांग व्यक्तियों के साथ में, दिव्यांग व्यक्तियों के साथ में संबंध है। अब कहां पर हुआ इस साल? तो गोवा के अंदर में हुआ। कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो आप यहां देखें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है, विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिल्ली में एक पर्पल फेस्ट का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। अब यहां पर आप देखिएगा, गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024, अंतर समझिएगा। और यहां पर आप देखें पर्पल फेस्ट, यहां पर भारत का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है केंद्रीय, उसके द्वारा दिल्ली में, राइट। तो दोनों में अंतर, गोवा और दिल्ली में जो डिफरेंस है उस पर आप ध्यान दें। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको पहुंच, समावेशन, इसके अलावा जो दिव्यांग व्यक्तियों के जो अधिकार हैं, इन अधिकारों के संबंध में इनको जागरूक किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर अमृत उद्यान यात्रा है, इसके अलावा अपने दिव्यांगताओं के व्यक्ति जान कैसे सकते हैं, पर्पल कैफे है आदि का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा एक अधिक समावेशी और सुलभ समाज का निर्माण करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे जो आयोजन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं दिव्यांग व्यक्तियों को अपने जीवन में कदम कदम पर अनेक प्रकार के भेदभावों का सामना करना पड़ता है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें इमारतों आदि को, तो इमारतों आदि के अंदर में भी दिव्यांगों, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके लिए सुविधाओं का अभाव हमें देखने को मिल जाता है, राइट। ऐसे में जो गलत धारणाएं हैं, रूढ़ियां हैं, उनको बदलने में ऐसे उत्सव एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं, और दिव्यांग व्यक्ति भी अपने आप को समाज की मुख्य धारा का भाग मानते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के इस पूरी क्लास का आपने लाभ उठाया होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर लेंगे तो ऐसे ही यूजफुल जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहेंगे। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत शुक्रिया।